तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे सब लोग, मैं लेके आया एक और नई वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा कि आप कैसे ऐसे बटन हाइड कर सकते हैं। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा मेरे बटन हाइडेड है, बस आपको आइटम वाला जो ये होता है ये सब दिख जाएगा, बाकी सब बटन जो है वो हाइडेड है, लेकिन वहीं पर है वो, मतलब वर्किंग करेंगे, सब वर्क करेगा, बस वो हाइड रहेंगे। तो बहुत लोगों को जरूरत होता है जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए, यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाने के लिए, उनको कभी अच्छा नहीं लगता पूरा दिखे फ्रेम, इसलिए अच्छा लगता है। तो वैसा ही है ये मैं उसी के लिए मॉड है, मॉड या मॉड बोल सकते हैं इसको, तो ये लाया हूँ मैं। तो इसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं पूरा पूरा बताऊंगा। और मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आपको नहीं पता कि कैसे ये, मतलब थोड़े प्रैक्टिस बैठ जाता है ना, जिसका वही ये यूज़ करे, आगे पीछे जाए दाएँ बाएँ, जिसको पता चल जाए हाथ बैठ जाता है, तो वही यूज़ करें। अगर आपको ना पता तो आप ना यूज़ करें, वरना आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी बार बार टर्न ऑन टर्न ऑफ करने में। चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, कैसे लग सकते हैं अपने माइनक्राफ्ट में। तो गाइस इस वेबसाइट की लिंक जो है आपको मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये एमसीपीडी वेबसाइट है, सेव वेबसाइट है, उसके थोड़ा आपको करना थोड़ा सा नीचे आना, आपको दिख जाएगा यहाँ पे डाउनलोड्स करने के लिए अदर फाइल्स में, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, डाउनलोड रिसोर्स डॉट जिप, डी पैड ओनली इनविजिबल, मतलब जो डायरेक्शन पैड होता है वो सिर्फ इनविजिबल करना है तो उसके लिए भी है, या फिर अगर आपको डी पैड और वो चैट पॉज बटन ये सब जो होते हैं ये सब भी इनविजिबल करना है तो ये वाला कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे एक करके दिखा दूँ, दोनों के सेम स्टेप है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको डायरेक्ट मीडिया फायर की लिंक मिल जाएगी, तो डायरेक्ट मीडिया फायर की लिंक पर आपको करना 28 KB का, नो बटन एड मॉड या एड ऑन जो भी कह सकते हैं, तो जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको करना है, ZRChiever नाम का एक ऐप आता प्ले स्टोर पर, 3 MB का ऐप है, आप डाउनलोड कर लीजिए, इससे फाइल एक्सट्रैक्ट होती है। तो आपको करना है डाउनलोड्स वाले फोल्डर में जाना है, अपने डाउनलोड्स वाले फोल्डर में थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो नो बटन डॉट जिप नाम का एक फाइल होगा। तो इस पर क्या करना है आपको, मतलब अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा टैप करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन आएगा, तो ये जो डॉट जिप होगा ना इसको हटा देना है, डॉट जिप को हटा के मैं लिख देता हूँ डॉट MC, सिंपली आप लिख सकते हैं डॉट MC पैक, डॉट एम सी पैक किसी किसी में वर्क नहीं करता इसलिए डॉट एम सी पैक लिख लीजिए। उसके बाद वो करना है सिंगल टैप करना है इस पर, ये व्यू वाले बटन के बगल में एरो का ऑप्शन आ रहा होगा, एरो पे क्लिक करेंगे माइनक्राफ्ट का ऑप्शन आएगा, जस्ट वंस पे क्लिक करेंगे वैसे माइनक्राफ्ट ओपन हो जाएगा आपका। वैसे यहाँ पे देखिए जैसे हमने वहाँ पे क्लिक किया और हमारा माइनक्राफ्ट जो है वो ओपन होना शुरू हो गया, अब इम्पोर्ट्स होना शुरू हो जाएगा, जो वो फाइल्स होती है वो इम्पोर्ट होती है, और जब तक इम्पोर्ट हो रहा है तब तक एक लाइक ठोक देना अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। तो यहाँ पे अभी हमारा माइनक्राफ्ट ओपन हो गया है, अब पॉपअप आएगा आपके सामने इम्पोर्ट स्टार्टेड, तो अब इम्पोर्ट जो स्टार्ट हो चुका है, अब सक्सेसफुल होता है देखते हैं, तो देख लेते हैं एक बार सक्सेसफुल होता है उसके बाद ये देखिए सक्सेसफुल इम्पोर्टेड नो बटन फुल। सेटिंग्स वाले बटन पर क्लिक करना है जैसे इम्पोर्ट हो जाए, उसके बाद जाना है सीधा ग्लोबल रिसोर्स पे, अभी थोड़ा लोड ले रहा है, यहाँ पे जाना है ग्लोबल रिसोर्स में, माई पैक्स पे जाना है और ये नो बटन फुल जो है इसको एक्टिवेट कर लेना है। जैसे आप एक्टिवेट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद अपना कोई भी यहाँ पे लोडिंग लेगा, बैक करेंगे तो लोडिंग लेगा रिसोर्स पैक और कोई भी वर्ल्ड जनरेट कर लीजिए। तो गाइस आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरा वर्ल्ड जो है वो जनरेट हो गया, और आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे मेरा हाइड हो चुका है और मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को याद है कि कैसे कंट्रोल कौन कौन सा होता है, राइट लेफ्ट आगे पीछे सब कुछ मेरे को पता है, इस वजह से मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ना पता हो तो शायद मैं रिकमेंड ना करूँ। तो बस आज इतना ही था वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो जाकर लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले बाय।